सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। गाइस हम वापस से एक बार अपनी माइनक्राफ्ट की जर्नी शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग से। और गाइस ये हमारे माइनक्राफ्ट का पता नहीं कौन सा पार्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे ये पीछे ही एक विलेज है। ये देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पीछे भी एक बहुत बड़ी सी विलेज है। इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी तुमने सोची है। तो चलो मैं आपको फटाफट से वहीं मिलता हूँ। एक काम करते हैं, यहीं से चलते हैं। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा क्लच कर लेते हैं, वह ख़तरनाक सा। ये निकाली पुल और ये जंप। होता है होता है होता है, कुछ कुछ होता है। अरे यार यहाँ से तो नहीं जा सकते, मेरे को लगा पानी होगा। अबे अब अबे यार मैं कहाँ पे स्पॉन हो गया, मेरे को रास्ता भी इतना पता नहीं है यार। शिट यार यार मैं कैसे जाऊँगा इतनी दूर यार। देखते हैं कैसे चलते हैं, यहाँ पे ही जाना था मेरे को। हर्ष मेरा सामान यहीं पे है, मेरे को लग रहा होगा कि डिस्पॉन हो गया होगा। इससे बढ़िया मैं नए टूल से बना लेता, पर चलो अच्छा वो सामान सेफ है यार। चलो ये भी उठा लेते। नीचे पोटैटो पड़ा है, चलो नहीं जाएगा मैं पोटैटो के लेने। यहाँ पे मैंने कोल भी देखा था, इसको माइन कर लेते हैं फटाफट से। ओके तो मैं विलेज के पास तो आ गया हूँ। एक आयरन गोल, ओ वो रहा आयरन गोल। अब तुम्हें पता ही मैं क्या करने वाला हूँ। ओके तो तीन आयरन मिल चुके हैं, इनके बकेट ही बना लेंगे। पहले फर्नेस बना लेते खाना कुक करने के लिए। ऐसे पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सामने हेवल्स रखी हुई है, बट कोई नहीं, जगह घेरेंगे। इससे बड़े काम के लिए कुछ रख ही लेते हैं। और ये सामने काफ़ी सारे ब्लॉक्स उग रहे हैं, तो इनको फटाफट से काट के लगा देते हैं वापस। Thousand years later. So guys, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने एक मोड डाला हुआ है नाइट विजन का, जो कि ये है, जो कि ऐसे एक प्यारे से गॉगल्स डाल देता है जो कि हमें नाइट विजन प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से, जो कि गेम में काफ़ी हेल्प करता है। अगर तुम्हें इसका लिंक चाहिए होगा तो मेरे कमेंट में बता देना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो अब ये केव के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और तुम्हें अगर क्रिएटिव के बारे में बोलना हो तो बोल देना, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चलो इस पर वाटर बकेट पर पानी इकट्ठा करके थोड़ी सी एमएलजी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लेकिन कर तो पाता नहीं हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, केव में जाके हम लोग माइनिंग ही कर लेते हैं। पर केव में जाने से पहले मैं अपना एक बार रिस्पॉन पॉइंट विलेज में सेट कर देता हूँ। क्या पता मैं मर जाऊँगा तो फिर यहीं पर स्पॉन हो जाऊँगा। अब यार यहाँ पर तो बेड ही नहीं है, एक उस वाले घर में होगा। चलो इस वाले घर में तो पक्का ही होगा यार। यहाँ पे बुक शेल्फ है, वो नाइस। अरे नहीं है यार यहाँ पे, चलो कोई नहीं, मैं अपना लगा के रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ। और अभी चलते हैं हम लोग अपनी केव की तरफ, जो कि सामने ही है। चलो एक काम करते हैं, नीचे बढ़िया से मल भी कर लेते हैं। और मैं आपको एक नाइट विजन गॉगल्स का कमाल दिखाऊंगा। तो ये देखिए कितना मस्त लगता है, देखिए कितना ब्राइट व्यू आपको। अगर डायमंड कभी कभार अगर आप नाइट विजन के बिना खेलते हो तो तुम्हारे बगल से डायमंड भी चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देगा। तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छा विजन प्रोवाइड करेगा, खास कर केव में।
आप क्रीपर्स को भी अच्छे से स्पॉट कर सकते हो। और इसको मैं मार के आयरन ले लेता हूँ फटाफट। सो गाइस, मैं केव से आ चुका हूँ और देखो मेरे को 32 मतलब 52 आयरन और 2 डायमंड मिल चुके हैं। और इसको मैं स्मेल्ट करके आर्मर बना के इन सारे जो फालतू के सामान है इन्हें चेस्ट में डाल देता हूँ फटैक से। तो गाइज, आज के पार्ट में बस इतना ही। अब दूसरा पार्ट इसका जल्दी आएगा। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएंगे। तो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।